यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। मैं रोहतास जिला से चलकर आई हूँ, आप लोगों से आग्रह करने के लिए आई हूँ, सारण की जनता से आग्रह करने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। आप लोगों के बीच महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार तेज तरार लोकप्रिय हम आप सबकी चहेती रोहिणी आचार्य जी आप लोगों के बीच आई हैं उम्मीदवार बनकर। आप लोग अपना एक एक वोट देकर उनको यहां से जिताइए। मैं आप लोग से यही अपील करने के लिए आई हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? ये जो लड़ाई जो है ना, ये जो लड़ाई है आप सबके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप सब माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ मजबूती से खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने 17 महीनों के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी देकर ऐतिहासिक काम किए हैं। पूरे बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं पर एक तेजस्वी यादव जी भारी हैं। और मैं गांव के लोगों से कहना चाहूंगी कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम लोग को जो सम्मान दिया है हम लोग उनको सम्मान देंगे। अगर भाजपा के लोग यहाँ आएंगे वोट मांगने के लिए तो आप लोग कहिएगा कि कुशवाहा समाज को आप कितने टिकट दिए हैं कि वोट मांगने आ गए। यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी माननीय तेजस्वी यादव जी ने कुशवाहा समाज को सम्मान दिया है, महागठबंधन सम्मान दिया है, तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं, ठीक है ना? साथ दीजिएगा ना। जब मान लीजिए माननीय तेजस्वी यादव जी हमारे समाज को सम्मान दिए हैं, देख रहे हैं कितना टिकट दिए हैं, 7 टिकट दिए हैं लोकसभा के, और भाजपा वाले एक भी टिकट नहीं दिया बिहार में कुशवाहा समाज को, और ना ही झारखंड में दिया है, तो हम उनको फ्री में क्यों वोट दें? जो हमारे समाज को सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे, हम उसके साथ खड़ा हैं। और पूरे बिहार के कुशवाहा समाज के लोग इस बार आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग साथ दीजिए। अब भाजपा वालों को वोट नहीं देना है, यहाँ पर बदलाव कीजिए, यहाँ पर रोहिणी आचार्य जी को मौका दीजिए सेवा करने के लिए। बहुत तेज तरार हैं उम्मीदवार हैं, और उनका चुनाव चिन्ह लंटेन छाप है 3 नंबर पे, ठीक है ना? 3 नंबर पे लंटेन छाप है, लंटेन छाप पे ही बटन दबाइएगा, दबाइएगा ना। इस बार यहाँ से उनको जिताइए, यहाँ बदलाव कीजिए। अगर क्षेत्र के विकास चाहते हैं तो यहाँ बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, कुछ अगर कुछ शिकायत होगा तो कहिए कहिए। देखिए एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर महागठबंधन के आप लोग सरकार बनाइएगा तो हर साल महिलाओं को रक्षाबंधन के समय 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर आप लोग को मिल रहा है 1200 में मिलता है ना, कितना दाम है 1100-1200 है, उसको घटाकर 500 कर दिया जाएगा। तो इस बार आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाइए, बेरोजगारी महंगाई खत्म की जाएगी, युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, तो आप लोग साथ दीजिएगा ना, ठीक है? आप लोग जोर से हाथ उठाकर ऊपर बोलिए, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।